So let's continue. Let's start with the class. देखो यहाँ पे we last time we looked at an example. हमने देखा था कि अगर मान लो तुम्हारे पास H2SO4 है 0.08 मोलर उसका सोल्यूशन है, ठीक है. और अगर अपन कंप्लीट आयनाइजेशन अज्यूम करते तो इसका पीएच क्या रहेगा, और अपन ने निकाला भी था इसका पीएच. या एंड वी डिड दैट एंड वी गॉट अ पीएच ऑफ 1.8. यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, क्योंकि H2SO4 इज़ बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है. इसको जैसे ही अपन पानी में डालेंगे अब कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, और जितना अपन ने एसिड डाला है ओके करस्पॉन्डिंगली उतने अपने को एच प्लस आयन्स मिलेंगे. अगर 1 मोल डाला होता H2SO4 तो 2 मोल एच प्लस आयन्स अपने को मिलते. यहाँ पे वी बेसिकली आर एडिंग 0.08 मोलर, तो इस वे ना ट्वाइस दैट मोल्स ऑफ एच प्लस मिलेंगे अपने को. एंड देन सिंस वी आर अज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन एनी वे, तो दैट इज़ द मोल्स ऑफ कॉन्सनट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, और पी एच के इक्वेशन में रख के अपन उसका पी एच निकाल रहे हैं. ओके, इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम. अब इसी को हम लोग थोड़ा सा ट्विक करते हैं. हमने क्या कर दिया, 10^-8 मोलर सोल्यूशन लिया. ओके, सो अगेन वॉल्यूम इज़ नॉट गिवन बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन. कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 10^-8 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है बेसिकली. एंड वी अज्यूम कि लेट्स से कि वी मेड लाइक 1 लीटर ऑफ इट, सो वी नो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर देयर. अब अगर मैं पी एच निकालता हूँ यहाँ पे, ओके, सो ट्वाइस दैट यू नो, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, सो ट्वाइस दैट अपने को एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे. सो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2 × 10^-8, या दैट इज़ द एच प्लस आयन. और उसको मैं अगर निगेटिव लॉग लेता हूँ पी एच निकालने के लिए तो आंसर आता है 7.7. सो दैट इज़ बेसिकली कि यू आर गेटिंग एन अल्कलाइन पी एच वेन यू एक्चुअली हैव अ एसिडिक सोल्यूशन, राइट. दिस डज नॉट साउंड राइट, बराबर है, ये सही नहीं है. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पे अपन ने रोका था बेसिकली, सो नाउ वी गोना कंटिन्यू फ्रॉम देयर ऑन. ओके, व्हाई आर वी गेटिंग एन अबनॉर्मल आंसर, व्हाई आर वी गेटिंग एन आंसर दैट इज अनरीजनेबल, इजंट इट. सो यहाँ पे द प्रॉब्लम इज कि ध्यान में रखो, वाटर इट्सेल्फ एक्चुअली डिसोसिएट्स ओके एज एच प्लस प्लस ओ एच माइनस आयन, इजंट इट. और इस पानी में अपन ने H2SO4 डाला है, इस पानी में अपन ने H2SO4 डाला है, तो मान लो कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, ऐसा अपन मान के चलते हैं, ठीक है. नॉट ट्रेडिशनली अपन क्या करते हैं, ट्रेडिशनली हम लोग सिर्फ यही एच प्लस आयन्स काउंट करते हैं. वाई, बिकॉज लेट्स से यू आर एडिंग समथिंग लाइक 0.008 मोलर, इसके पहले वाले जैसे एग्जाम्पल में था, ठीक है. इतने मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, तो एज कम्पेयर टू मोल्स ऑफ एच प्लस दिस इज एक्चुअली वेरी हाई, इजेंट इट. मोल्स ऑफ एच प्लस इन 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर, ठीक है ना, 1 लीटर अगर मैंने पानी लिया है मान लो प्योर वाटर, तो उसमें मोल्स ऑफ एच प्लस कितने हैं, 10^-7, इजेंट इट. और उसमें मैंने इतने मोल्स ऐड किए हैं मान लो, तो ये हो गया काफ़ी हाई हो गया ना. दिस H2SO4 इज कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू दैट. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना. अपन इसको पानी से जो H प्लस आ रहे हैं इसको इग्नोर कर रहे हैं, इजेंट इट. तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है इस तरह का, ओके, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ट्रेडिशनली थोड़ा सा अपन इससे ये भी पकड़ सकते, मतलब 10^ समथिंग लाइक यू नो ले रहे, 10^-6 6 तक ले रहे अपन, ठीक है ना, मोल्स ऑफ एच प्लस. ओके, अगर इतना डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन लेते हैं, इससे डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, इट बिकम्स नाउ नेसेसरी टू एक्चुअली थिंक अबाउट हाउ मेनी मोल्स ऑफ एच प्लस आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वाटर. समझ में आया ना, यहाँ पे बिकॉज वी आर एक्चुअली इग्नोरिंग दिस एच प्लस आयन, हमारा जो पी एच है वो 7 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब अल्कलाइन सोल्यूशन अपने को मिल रहा है विच इज़ नॉट राइट. तो हमको क्या करना है, वाटर से जो एच प्लस आर है वो भी काउंट करना है, H2SO4 से जो एच प्लस आर है वो भी काउंट करना है, टोटल एच प्लस अपने को लेना है, ठीक है. लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जब अपन H2SO4 ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब इट्स नॉट जस्ट कि तुम 1 लीटर पानी लिए थे, 10^-7 मोल्स ऑफ एच प्लस ले लिए, और ये 10^-8 मोल्स ऑफ एच प्लस फ्रॉम H2SO4 ले लिए, दोनों को ऐड कर लिए, आंसर ला लिए, वैसे नहीं हो सकता.
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब H2SO4 अपन पानी में ऐड करते हैं तो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया ज़्यादा, ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया ज़्यादा, तो पानी का जो डिसोसिएशन है वो हो जाता है थोड़ा कम, इजेंट इट? मतलब कि देर इज़ अ सपरेशन ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ H2O, बहुत कम होता है लेकिन देर इज दिस सपरेशन, ठीक है? सो वी कैन जस्ट डायरेक्टली ऐड, इसको अपने को थोड़ा मैथमेटिकली सोच के इसको करना पड़ेगा, समझ में आया ना? टोटल H+ अपने को निकालना है इन दिस पर्टिकुलर केस, और फिर टोटल H+ निकालने के बाद उसका pH मेरे को निकालना है, समझ में आएगा? दैट इज़ बेसिकली द इशू, और इस इशू को किस तरह से अपन डील करते हैं वो देखो। दिस इज़ ओनली अप्लीकेबल वेन यू हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अ बेस इन द वाटर, मतलब कि बहुत ही डाइल्यूट एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन है, तो उस केस में अपने को इस तरह से उसको ट्रीट करना पड़ता है, ओके? सो जनरली यू नो वी इग्नोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स फ्रॉम वाटर, ठीक है? जनरली वी इग्नोर दैट बिकॉज इन मेनी केसेस कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हाई इनफ, तो अपन वो इग्नोर कर सकते बिकॉज दैट इज़ वेरी लिटल, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है ना? बट इन फॉर वेरी डायल्यूट सोल्यूशन समथिंग दैट इज़ बिलो 10^-6 मोलर, ठीक है, इससे अगर कम कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब डायल्यूट सोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में अपने को ये H+ अकाउंट करने पड़ेंगे, अपने को ये देखने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, ओके? सो व्हाट वी नीड इज टोटल H+, समझ में आया? टोटल H+ कहाँ से आएंगे? एक तो एसिड से आएंगे और दूसरे पानी से आएंगे, दैट इज़ द टोटल H+, समझ में आया ना? बट वी डोंट नो एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ दिस एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो अपने को ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमको ये मालूम है, ओके, व्हाट वी नो इज इन एनी सॉल्यूशन KW इज कांस्टेंट। ये मैंने तुमको काफ़ी बार बताया, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में KW की वैल्यू होती है कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 1×10^-14, ओके? वी डोंट नो कितना H+ कॉन्सेंट्रेशन है, वी डोंट नो कितना OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट सम टेम्परेचर, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं अपन, तो KW की वैल्यू कितनी आएगी? 10^-14 आएगी। ये अपने को मालूम है, दिस इज़ कॉन्स्टेंट। अगर ये मालूम है तो वी कैन ऑल्सो राइट कि KW इज इक्वल टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज इक्वल टू 10^-14 फॉर एनी सोल्यूशन। कैन वी से दैट? इजंट इट? दिस इज बेसिकली ट्रू। अब यहाँ पे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएंगे? टोटल वाले जितने भी है H+, ये सारे के सारे H+ यहाँ पे अपन अकाउंट कर रहे हैं, समझ में आया ना? सो वी कैन राइट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन टोटल टाइम्स OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज ओनली कमिंग फ्रॉम वाटर, ये तो एसिड तो दे ही नहीं रहा है ना। OH- आयन दो जगह, सॉरी H+ आयन जो है वो दो जगह से आ रहा है, ओके? H+ आयन दो जगह से आ रहा है, एक तो आ रहा है वाटर से, दूसरा आ रहा है एसिड से। OH- आयन कहाँ से आ रहा है? ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट, या ये आ रहा है एसिड प्लस वाटर, ओके? एंड OH- आयन कहाँ से आ रहा है? ओनली वाटर, एसिड में से तो नहीं आ रहे ना, इज इट? तो इसीलिए यहाँ पे अपन ने लिखा H+ टोटल एंड OH- आयन कमिंग फ्रॉम वाटर, दैट इज इक्वल टू KW, दैट इज इक्वल टू 10^-14, ठीक है? नाउ वी ऑल्सो नो वन थिंग, ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम मैंने तुमको दिखाया था, H2O गिव्स यू H+ प्लस OH- आयन, ओके? अब मैंने इस पानी में एसिड डाल दिया, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ली शेटलेस प्रिंसिपल, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बराबर है? बैकवर्ड डायरेक्शन, तो H+ का आयन, OH- आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी तो डिक्रीज हो जाएगा ना। इन एनी केस अगर मैं वाटर के OH- आयन और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ वाटर की अगर मेजर करता हो, तो मेरे को क्या दिखेगा? कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम रहेगा, इजंट इट? मतलब अनइवनली स्प्लिट तो नहीं हो सकता ना वाटर क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। जब भी स्प्लिट हो रहा है तो वो एक H+ और एक OH- आयन ही दे रहा है, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम रहेगा,
isn't it? So H plus ion concentration or OH minus ion concentration in water is always going to be equal, whether it is an acidic solution or basic solution or whatever it is always going to be same. Okay, so basically we're going to use that idea. Okay, and we're going to say ki rather than writing OH minus ion, I'm going to write, because you know this is equal. So I can write now, rather than OH minus ion, I can write H plus ion concentration. ठीक है, मैं बस क्या कर रहा हूँ, OH minus ion को H plus ion concentration से replace कर रहा हूँ. Okay, so H plus total times H plus concentration from water gives you Kw. ठीक है, अब देखो अपना equation थोड़ा interesting हो रहा है. अपन rather than taking ये, okay, मतलब H plus ion concentration times OH minus ion concentration, we are taking H plus ion concentration total times H plus ion concentration from water is equal to Kw. ठीक है, that is basically the ionic product of water. क्यों? क्योंकि we are simply replacing the concentration of OH minus ion with concentration of H plus ion, because these are equal. Yeah, so let's say कि this is equal to X, H plus ion concentration of water is equal to X. ठीक है, अब देखो अपने को value रखनी है. या ध्यान से देखो, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टोटल ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये एसिड से आ रहे हैं प्लस वाटर से आ रहे हैं, इजेंट इट. सो ये हो जाएगा एसिड प्लस एक्स, इजेंट इट. एसिड से आ रहे कुछ H प्लस और कुछ X से, और ये क्या है, ओके, दिस इज ऑल्सो X, दैट इज इक्वल टू Kw. इक्वेशन के तौर पे इसको सेट कर दिया, अब मेरे को सिर्फ X फाइंड करने का है. वी ऑलरेडी नो कि ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वी ऑलरेडी नो Kw कितना है, इज इट इट. वी नो द कि अपन ने एसिड कितना डाला है, वी नो Kw कितना है, वी नीड टू फाइंड द एक्स. दैट गिव्स अस एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वाटर, और वो हो जाने के बाद सिर्फ ये टोटल फाइंड करो, उसका pH निकालो. सो ये है एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड प्लस एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज एक्चुअली योर एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टोटल. ओके, और ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर Kw, वैल्यूज रख दो H प्लस आयन, ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन तो अपने को मालूम है 2 × 10⁻¹, राइट, दैट मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन ये अपने को मिलेंगे, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड, दैट इज एक्स 10⁻¹. या नाउ इस ब्रैक इसको सॉल्व करो, बेसिकली यू एक्चुअली गेट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, यू कैन इजीली सॉल्व दैट. तो X की वैल्यू आती है अपने को 9.05 × 10⁻¹, एंड देर इज़ अ नेगेटिव साइन विच वी बेसिकली इग्नोर. ठीक है, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ X. अब मेरे को X की वैल्यू आ गई है, तो आई कैन कैलकुलेट द टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन दैट सोल्यूशन, और फिर उसका मैं pH निकालूंगा. ठीक है, तो टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, H प्लस आयन फ्रॉम एसिड, H प्लस आयन फ्रॉम वाटर. ठीक है, देखो एसिड क्या अपन पूरे के पूरा ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जितना एसिड मैंने डाला है ये पूरे के पूरा डिसोसिएट हो गया है, ये अपन ने अज्यूम किया है. ओके, दिस इज व्हाट इज अप्रॉक्सीमेशन इज, माइट नॉट बी ट्रू बट ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाएगा कम्प्लीटली, है ना, इजंट इट. स्ट्रॉन्ग एसिड रहने की वजह से ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा. तो अगर मैंने 1 × 10⁻¹ मोल्स ऑफ एसिड डाला है पानी में, ठीक है, एसिड मतलब कौन सा है, H2SO4, तो मेरे को 2 × 10⁻¹ मोल्स ऑफ H प्लस आयन मिलेंगे, इजेंट इट, वो ले लिया अपन ने टोटल. सेकंड की अपन ने देख लिया कि कैलकुलेट कर लिया कि H प्लस आयन्स फ्रॉम वाटर कितने आ रहे हैं. ओके, अब 25 °C पे कितने आते थे, 10⁻¹, बराबर है कि नहीं, एट 25 °C फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए कितने आते थे, ये यहाँ पे देखो कितना है, कम आया ना उससे. कम क्यों आया, क्योंकि अपन ने एसिड डाला तो इसका जो डिसोसिएशन था वाटर का वो डिक्रीज हो गया. ओके, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गया. ठीक है, तो इसके वजह से अभी ये टोटल हो गया बेसिकली अपना H प्लस, और इसका अब pH निकालते हैं, तो pH इज 6.95, विच इज़ एक्चुअली रीजनेबल. समझ में आया, यहाँ पे pH आ रहा है 6.95, दैट इज़ रीजनेबल. ये अपना एसिडिक pH मिल रहा है अपने को एट दिस सोल्यूशन, इजेंट इट. अदरवाइज पहले जो अपन निकालते थे डायरेक्ट, उससे क्या मिल रहा था अपने को, बेसिक pH, अल्कलाइन pH मिल रहा था. समझ में आया क्या, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम हियर. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स ये पूछा गया था एग्जाम में,
बट इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम, इट मेक्स यू थिंक कि अपन क्या कर रहे हैं, कितना अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं. जब भी अपन पीएच निकालते हैं वी आर एक्चुअली इग्नोरिंग द एच प्लस आयंस फ्रॉम वाटर, ठीक है. एंड दैट इज़ ओके बिकॉज इन मोस्ट केसेस जो डिसोसिएशन होता है वाटर का बहुत कम है, दैट इज़ इग्नोरेबल, ठीक है. वी डोंट एक्चुअली नीड टू वरी अबाउट इट. लेकिन अगर बहुत डायल्यूट सोल्यूशन है तो ये जो एच प्लस आयंस है ये अपने को अकाउंट करने पड़ेंगे. जैसे दैट वॉज द एग्जाम्पल फॉर इट. क्लियर है? इज दिस अंडरस्टूड? या बता. देखो पानी अगर है, वाटर लिया, वाटर में H2SO4 डाला, यस, वाटर इससे क्या आ रहा है अपने को? H प्लस आ रहा है, प्लस SO4 टू माइनस, बराबर है. इससे तो कोई लेन देन नहीं है अपने को, वी आर सिंपली वरीड अबाउट दैट. वाटर से क्या आ रहा है? H प्लस प्लस OH माइनस आयन, इजंट इट. अब इससे क्या होगा? वाटर का डिसोसिएशन डिक्रीज है, मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा बाय इक्वल अमाउंट. बराबर है कि नहीं? अंडरस्टूड? वाटर अगर डिसोसिएशन बढ़ाते हैं अपन तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका डिसोसिएशन कम करते हैं तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा. इसलिए हमेशा पानी का जो डिसोसिएशन होगा उसमें से जो आयन्स जनरेट होंगे एच प्लस और ओ एच माइनस आयन, इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, ठीक है. अब हाउ इज द वाटर एसिडिक? जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो वाई इज द वाटर एसिडिक? एसिडिक आ रहा है ना पीएच, इज इट इट? वाई इज द वाटर एसिडिक? क्योंकि ये जो अपन ने H2SO4 से डाले थे ये हो गए तुम्हारे एक्सेस ऑफ एच प्लस आयन. समझ में आया क्या? ये तो सेम है ना, इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है एच प्लस और ओ एच माइनस आयन, तो ऑब्वियसली डजेंट मैटर वॉट हैपन्स विद द डिसोसिएशन, वाटर इज गोइंग टू बी द न्यूट्रल. इसका पी एच कम ज़्यादा होगा बट वाटर इज गोइंग टू बी न्यूट्रल, ठीक है. लेकिन एक्सेस ऑफ एच प्लस है, एच प्लस एक्सेस ऑफ एच प्लस है मतलब कि एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट्स वाई द वाटर इज एसिडिक, द सोल्यूशन इज एक्चुअली एसिडिक. ओके, सो ये जो एक्सेस है उसके वजह से ये एसिडिक है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैंने पानी में एसिड डाल दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा एच प्लस आयन्स आ गए, नहीं. जब अपन एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे किसी भी वाटर में मान लो, ठीक है, तो क्या होगा कि इसका डिसोसिएशन वाटर का कम हो जाता है, ठीक है. और फिर बचे हुए एच प्लस या ओ एच माइनस आयन पानी को आइदर एसिडिक या बेसिक बनाते हैं. ये डिपेंड करता है अपन ने एसिड डाला या बेस डाला है, ठीक है. एसिडिटी के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है और बेसिसिटी के लिए उल्टी कंडीशन होती है, ओ एच माइनस आयन ज़्यादा होना चाहिए फ्रॉम एच प्लस. तो ये आ रहे जो भी एसिड और बेस अपन डालते हैं उससे अपने को ये एक्सेस वाले मिल रहे हैं. पानी का डिसोसिएशन हमेशा इसी तरह से होगा, ओके. और ये अपन आगे देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट एक्चुअली होता है, नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में इट कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट, ये अपन देखेंगे, ओके. हे इज़ अ रिव्यू क्वेश्चन फॉर यू गाइज. KW दिया है अपने को 1 × 10⁻¹⁴ एंड ये दिया है 25 डिग्री सेल्सियस एंड ये दिया है 40 डिग्री सेल्सियस. पूछा है इज़ द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू इट्स आयंस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बता. तो यहाँ पे देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका KW का वैल्यू इतना दिया है और 40 डिग्री सेल्सियस पे इसका KW का वैल्यू इतना दिया है. व्हाट यू कैन सी इज़ दैट जब अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे फ्रॉम 25 to 40 डिग्री सेल्सियस तो इसका KW का जो वैल्यू है, ओके, विच इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये बढ़ रहा है. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ रहा है मतलब वाटर का जो डिसोसिएशन है वो इंक्रीज हो रहा है, इजंट इट? वाटर का डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है जिसके वजह से अपन ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ रहा है, मतलब ये प्रोसेस कैसा रहेगा? एंडोथर्मिक, ओके. सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर. बस फाइन, बता जल्दी, बता सकते हो तो. इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर विल डिक्रीज द pH, इंक्रीज द pH और नो चेंज इन pH. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये जो इक्विलिब्रियम है पानी का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन आगे जा रहा है,
वी ऑलरेडी नो दैट इट इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो डिसोसिएशन इसका इंक्रीज हो रहा है, तो एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. अगर एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो पी एच क्या होगा, डिक्रीज होगा. पी एच इज़ गोइंग टू डिक्रीज, मतलब ये ज़्यादा लो पी एच वाला. लेकिन इज इट गोइंग टू बी एसिडिक, वेल इट्स नॉट गोइंग टू बी एसिड, इट स्टिल गोइंग टू बी न्यूट्रल. क्या हो गया है, वेन यू से कि पी एच इक्वल टू सेवन इज न्यूट्रल फॉर प्योर वाटर, यू आर यूजिंग स्केल एट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, स्केल एट 25 डिग्री सेल्सियस. अब तुमने क्या कर दिया है, स्केल ही शिफ्ट कर दिया है. अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब तुमको बोलना पड़ेगा पी एच एट समथिंग लाइक 6.95. ओके, आई एम जस्ट यूजिंग सम रैंडम नंबर एट सम 50 डिग्री सेल्सियस ओसो. ठीक है, इज न्यूट्रल, इज न्यूट्रल कब, एट समथिंग लाइक 50 डिग्री सेल्सियस. आप जस्ट एज एन एग्जाम्पल बता रहा, एट 50 डिग्री सेल्सियस. ये अब ये स्केल तुमको यूज़ करना पड़ेगा टू मेजर द एसिडिटी, बेसिसिटी और बेसिकली पी एच ऑफ एनी सोल्यूशन. ओके, सो पी एच एक्चुअली डिक्रीजेस, बट बिकॉज अपना पूरा स्केल ही शिफ्ट हो गया है, इसमें न्यूट्रलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टिल न्यूट्रल. ओके, ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे तुमको दिख रहा है 7.47, दैट इज द न्यूट्रल पी एच. ओके, 50 डिग्री पे देखो आई वॉज ऑन दैट ऑफ. ओके, 6.5 कुछ लिया था, 9.5 लिया था आई थिंक. सो सो दैट्स अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज समथिंग लाइक दैट. सो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं पी एच डिक्रीज हो रहा है पानी का, लेकिन इट इज स्टिल न्यूट्रल. ओके, हम जो स्केल यूज करते हैं दैट इज द स्केल वी यूज एट 25 डिग्री सेल्सियस. ओके ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना. हाइड्रोलिसिस बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन इन सॉल्ट विथ वाटर. ठीक है, तो इसके बारे में तुमको टेंथ में था मेरे ख्याल से, इफ यू टेक अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, राइट. सो देर आर सर्टन सॉल्ट दैट गिव्स यू न्यूट्रल सोल्यूशन, सर्टन सॉल्ट दैट गिव्स यू एसिडिक सोल्यूशन, सर्टन सॉल्ट गिव्स यू बेसिक सोल्यूशन. ओके, तो ये तुमको टेंथ में था, आई रिमेंबर दैट. तो बेसिकली अगर कोई सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहा हो, जैसे मैंने सोडियम एसिटेट डाल दिया पानी में, ठीक है, या कोई एक जनरल सॉल्ट लेते हैं अपन, एच एक्स लेने के बजाय एम एक्स लेते हैं. ओके, एम एक्स इज़ द सॉल्ट बेसिकली. तो एम एक्स को मैंने पानी में डाल दिया तो मेरे को एम प्लस मिलेंगे प्लस एक्स माइनस मिलेंगे. तो इस तरह के कैटायंस मेरे को पानी में मिल रहे हैं. ठीक है, एम प्लस कैटायन एंड एक्स माइनस अनायंस, ये अपने को पानी में मिल रहा है. अब होता क्या है कि तुमको मालूम होगा कि कैटायंस आर एसिडिक एंड अनायंस आर बेसिक. यस, अगर मान लो जैसे ओ एच माइनस आयन जनरेट हो रहा है पानी में, तो ओ एच माइनस आयन तो पानी के साथ रिएक्ट होगा, इजंट इट, एंड इट्स गोइंग टू जनरेट एन अल्कलाइन सोल्यूशन. ओके, उसी तरह से एच प्लस आयन इज गोइंग टू गिव एसिडिक सोल्यूशन. तो अगर कैटायंस और अनायंस जनरेट हो रहे हैं तो इट इज़ पॉसिबल दैट दे इंटरैक्ट विथ वाटर एंड दे गिव यू आइदर एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन. ठीक है, सो बेसिकली इंटरैक्शन ऑफ दीज कैटायंस एंड अनायंस, दिस इज बेसिकली योर सॉल्ट. ये सॉल्ट है, सॉल्ट को मैंने पानी में डाल दिया, तो सॉल्ट के जो कैटायंस या अनायंस है, मतलब जो आयंस है सॉल्ट के, वो पानी के साथ रिएक्ट होके या तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे या तो बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे. ओके, इस प्रिंसिपल को अपन बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. द रीज़न व्हाई यू गेट एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर. ओके, ब्रेकडाउन विथ वाटर भी बोल सकते हो, या रिएक्शन विथ वाटर. सो क्या हो रहा है कि वाटर के साथ ये रिएक्ट हो रहा है, यू गेट आइदर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. ठीक है, so based upon that we categorize solutions in four different ways. ठीक है, four different types. most of the solutions, अगर तुमको मालूम, जैसे NaCl अगर लेते हैं अपन, तो NaCl अगर मैंने पानी में डाल दिया तो what you get is NaCl, okay, plus water कर दिया यहाँ पर, NaCl aqueous मिल रहा है तुमको, which is basically nothing but neutral. ये neutral ही मिलता है अपने को,
काफ़ी जो सॉल्ट्स अपने को मालूम है दे एक्चुअली गिव्स अस अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. NaCl इज एक्चुअली अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. लेकिन दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल सॉल्ट्स. या सो बेस्ड अपॉन दैट वी कैटेगराइज इनटू फोर कैटेगरीज. वी हैव सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, जैसे NaCl है, KCl है, NaNO3 के. सो दीज आर बेसिकली ऑल सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस. ओके, सो द वे वी लुक एट इट इज बेसिकली लाइक दिस. जस्ट टेक NaCl. ठीक है, मेरे को अगर NaCl बनाना है तो कैसे बना सकता मैं? ओके, फ्रॉम एसिड एंड बेस. तो कौन सा एसिड और कौन सा बेस लेना पड़ेगा मेरे को? सो आई हैव टू टेक NaOH प्लस HCl. ठीक है, प्लस H2O अपने को मिल रहा है. ओके, इसको बाजू में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको. सो दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. सो देयरफॉर दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. समझ में आ गया? उसी तरह से KCl, KOH प्लस HCl, NaNO3, NaOH प्लस HNO3. इस तरह से अगर तुम देखते हो, ओके, KOH प्लस Na2SO4, मतलब Na2SO4 काय का सॉल्ट हो गया? NaOH प्लस H2SO4. समझ में? तो ये जो सॉल्ट्स है, दीज आर बेसिकली सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. और इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं, दे आर एक्चुअली न्यूट्रल. तो इनके जो सॉल्यूशंस आएंगे ये सॉल्ट्स के, दे आर एक्चुअली न्यूट्रल. ठीक है, NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अगर कोई दूसरा सॉल्ट है विच इज मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसको अगर मैं पानी में डालता हूँ तो वी कैन गेट अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. समझ में आया क्या? आगे अपन देखेंगे व्हाई दैट इज एक्चुअली द केस. ठीक है, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स यू अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. ओके, उसी तरह से यू हैव सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड बोले तो जैसे एसिडिक एसिड ले लिया, इसको रिएक्ट कर रहा हो रहा मैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो कौन सा हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. तो मेरे को सॉल्ट कौन सा मिलेगा? सोडियम एसिडेट. ठीक है, ये हो गया सोडियम एसिडेट. उसी तरह से अगर मैं ये देखता हूँ ये कौन से एसिड और कौन से बेस का है, सो बेस तो हो गया इसका Na, बोले तो स्ट्रॉन्ग कैटायन हो गया NaOH का, और CO3 बोले तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड विच इज़ अ वीक एसिड. समझ में आया? राइट, Na3PO4, ना Na3PO4 इसमें जो है दिस इज बेसिकली NaOH प्लस H3PO4. H3PO4 इज एक्चुअली अ वीक, इज नॉट अ वीक एसिड, बट यहाँ पे इसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता इसलिए इसको अपन वीक एसिड मानते हैं. ठीक है ना, बट इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग एसिड या फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. ठीक है, सो ये हो रहा है इसके. तो ये जो सॉल्ट्स है, ये सॉल्ट्स क्या क्या है? कंसिडर टू बी सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, और इनका सॉल्यूशन जो होता है, दीज आर बेसिकली बेसिक. ठीक है, ध्यान में रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्यूशन देगा यहाँ पे, है ना. दोनों अगर स्ट्रांग है तो न्यूट्रल, यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस रहने की वजह से अपने को बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, देन यू हैव सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो इसका सॉल्यूशन कैसा रहेगा? फिर एसिडिक. ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो, अमोनियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट AlCl3. राइट, अमोनियम क्लोराइड दिस इज बेसिकली NH3 प्लस HCl. राइट, दिस इज अ वीक बेस एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. इसका सॉल्ट अपने को मिलता है NH4Cl. ओके, कॉपर सल्फेट. ओके, सो यहाँ पे कॉपर आयन्स ही लेंगे अपन बेसिकली, यू कैन थिंक कॉपर क्लोराइड और व्हाटएवर, बट कॉपर सल्फेट लेंगे या कॉपर आयन्स लेंगे अपन. ओके, दैट इज बेसिकली अ वीक बेस. ओके, एंड देन H2SO4 विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इजंट इट. तो इनका जो सॉल्यूशन रहेगा वो एसिडिक रहेगा. सिमिलरली अल्यूमिनियम आयन्स और HCl बेसिकली, सो मेटल आयन्स ले रहे हैं अपन. सो इनका जो सॉल्यूशन रहेगा अपने को, दैट इज गोइंग टू बी एसिडिक सोल्यूशन. समझ में है? एंड देन द फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट यू हैव इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. ठीक है, दोनों वीक है. ओके, तो जैसे अमोनियम आयन को मैं कंबाइन करता हूँ विथ एसिडिक एसिड CH3COH प्लस NH3, तो अपने को क्या मिलेगा? अमोनियम कार्बोनेट, है ना, अमोनियम एसिडेट मिल रहा है अपने को. अमोनियम क्या मिलेगा?
ये कंबाइन कर दे दो अमोनियम एसीटेट, इजंट इट, और अमोनियम एसीटेट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हो गया, उसी तरह से अमोनियम कार्बोनेट, अल्यूमिनियम फॉस्फेट. ओके, सो बेसिकली कंबाइनिंग अ वीक बेस फ्रॉम हियर एंड वीक एसिड फ्रॉम हियर, ये दोनों को कंबाइन करके ये फोर्थ वाला सॉल्ट अपने को मिल रहा है, यू गेट दैट. यहाँ पे द सोल्यूशन कैन आइदर बी एसिडिक और बेसिक, ठीक है. सो वी हैव बेसिकली फोर सोल्यूशंस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ, ओके, सॉल्ट ऑफ लिख रहे अपन पहला, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल. ओके, इसका सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल रहेगा. दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, तो जो स्ट्रांग है वो ले लो, स्ट्रांग एसिड है तो ये एसिडिक रहेगा. ओके, थर्ड, वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस, तो यहाँ पे स्ट्रांग बेस आ रहा है मतलब बेसिक ले लो, बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा. फोर्थ आ रहा है, दोनों वीक है, वीक एसिड, वीक बेस, दोनों वीक है तो ये हो जाएगा आइदर एसिडिक और बेसिक. डिपेंड करेगा कि हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली द फोर टाइप ऑफ सॉल्ट्स वी हैव. इन सब का पीएच तुमको पूछा जा सकता है कि ये सॉल्ट तुमने पानी में डाला है तो इसका पीएच क्या होगा, ये कैसा करते हैं, कैसा निकालते हैं इनका पीएच, ये अपने को देखना है, ठीक है. देर आर फ्यू न्यू कॉन्सेप्ट वी गोना लर्न इन दिस, व्हेन वी डिस्कस दिस देर आर सम न्यू कॉन्सेप्ट दैट वी गोना लर्न, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, हाइड्रोलिसिस सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो वी गोना कंटिन्यू डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास. फॉर नाउ वी गोना स्टॉप एंड वी सी ईच अदर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, इफ नॉट देन यू गाइस कैन लीव. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.